हेलो एवरीवन, वेलकम टू ग्लोबल स्टडीज़। आज हम बात करेंगे जेंडर इश्यूज़ इन द ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड, फिर हम बात करेंगे डिफाइनिंग जेंडर एंड द वेरियस जेंडर इश्यूज़ एंड द डिफरेंस बिटवीन सेक्स एंड जेंडर। तो चलिए पहले हम जान लेते हैं कि जेंडर है क्या। अगर इसकी डेफिनेशन की बात करूँ, इट रेफर्स टू द करैक्टरिस्टिक्स ऑफ वुमेन, मैन, गर्ल्स एंड बॉयज़ दैट आर सोशली कंस्ट्रक्टेड। यानी कि ये सोसाइटी ने डिसाइड किया है कि मेल को क्या काम करना है और फीमेल को क्या काम करना है। अब ये बायोलॉजी या बायोलॉजिकल डिसाइडर नहीं है कि मेल को क्या काम करना है या फीमेल को क्या काम करना है, ये सोशली कंस्ट्रक्टेड है, यानी कि सोसाइटी ने डिसाइड किया है। तो अगर हम जेंडर नॉर्म्स की बात करें, तो जेंडर में कई सारे नॉर्म्स होते हैं, बिहेवियर्स होते हैं, रोल्स होते हैं जो एक पर्टिकुलर सेक्स को असाइन कर दिए जाते हैं, वो बन जाते हैं जेंडर्स नॉर्म्स। यानी कि मेल को क्या काम करना है ये डिसाइडेड है, फीमेल को क्या काम करना है ये डिसाइडेड है। तो अगर एज ए सोशल कंस्ट्रक्ट की बात करूँ, तो जेंडर जो है वो वेरी करता है सोसाइटी टू सोसाइटी। देखिए, कई जगह पे पैट्रियार्कल सोसाइटी होती है, कई जगह पे आपकी मैट्रियार्कल सोसाइटी होती है, और वो चेंज होती है ओवर द टाइम। यानी कि मैट्रियार्कल सोसाइटी में क्या होता है, अफ्रीकन की कई सारी सोसाइटीज़ ऐसी हैं जो कि मैट्रियार्कल हैं, तो उसमें घर का काम जो है वो मेल्स लोग करते हैं और जो बाहर का काम है वो फीमेल्स करती हैं। तो इसका मतलब ये सोसाइटी टू सोसाइटी डिसाइड करता है कि जेंडर नॉर्म्स क्या होने वाले हैं, और ये ओवर द टाइम भी चेंज होता है। आज जो काम एक मेल कर रहा है, हो सकता है आने वाले 100-200 साल के बाद वही काम एक फीमेल करे, ये वेरी करता है। यानी कि आज से कई साल पहले क्या होता था कि हील्स जो है, हील्स वाले जो शूज़ होते हैं, वो पहले मेल लोग डाला करते थे, लेकिन अब क्या होने लगा कि अब वो ट्रेंड बन चुका है कि वो फीमेल ही डालेंगी, अभी उसको कोई मेल नहीं डाल सकता प्रेजेंट टाइम में। तो ये बताता है कि जो जेंडर नॉर्म्स हैं वो वेरी करते हैं और वो ओवर द टाइम चेंज भी हो जाते हैं। अब हम बात करेंगे कि सेक्स और जेंडर के बीच में क्या डिफरेंसेस हैं। तो देखिए, सेक्स जो है वो पर्टिकुलर बायोलॉजिकल डिफरेंसेस को क्रिएट करता है। अब जो मेल हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन, वो फीमेल में नहीं होता, और जो फीमेल है एस्ट्रोजन, वो मेल्स में नहीं होता, होता है तो बहुत कम मात्रा में होता है। तो यानी कि मेरा पर्टिकुलर मतलब ये है बताने का कि सेक्स जो है वो बताता है कि क्या मेल है क्या फीमेल है और उनके बीच में कौन से बायोलॉजिकल डिफरेंसेस होने वाले हैं। जेंडर की अगर बात करूं, तो ऑलरेडी मैंने आपको बताया है कि सोशल एंड कल्चर रोल की बात की जाती है विद इन द गिवन सोसाइटी, और हमारे जेंडर आइडेंटिटी क्या बनने वाली है, हमारी सेल्फ आइडेंटिटी क्या बनने वाली है, ये डिपेंड करता है हमारे एनवायरनमेंट के ऊपर भी। हम अपनी फैमिली में कैसे इंटरेक्ट करते हैं, हमारे माता पिता कैसे इंटरेक्ट करते हैं, हम अपने माता पिता को देखते हैं, वही चीज़ें हम अडॉप्ट करते हैं। तो यानी कि फैमिली इंटरेक्शंस, एनवायरनमेंट, मीडिया, पीयर्स एंड एजुकेशन, ये सारे ग्रुप्स बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं आपकी जेंडर आइडेंटिटी के लिए। आज प्रेजेंट टाइम में कौन कौन से जेंडर इश्यूज़ हैं उसके बारे में हम बात करेंगे, लेकिन पहले मैं आपको बता दूं कि प्राचीन काल में क्या हुआ करता था कि वुमेन का जो स्टेटस था वो बहुत हाई होता था वैदिक पीरियड में। वेदास और उपनिषेद में हम वुमेन को माता भी बोलते हैं, गॉडेस देवी भी कहा जाता है। अर्ली वैदिक पीरियड में हम वुमेन को बहुत ही केयर से देखा करते थे, लेकिन जैसे ही पॉलीगैमी जैसी सिचुएशन क्रिएट हुई, तो उसने क्या किया कि वुमेन के स्टेटस को और भी ज़्यादा डिग्रेड कर दिया। मिडवल पीरियड की अगर मैं बात करूं, जैसे कि पूरा सिस्टम हो गया, डाउरी सिस्टम हो गया, सती सिस्टम हो गया, जो कि जिन्होंने वुमेन के स्टेटस को दिन प्रतिदिन गिराया है। तो आगे अगर बात करूं प्रेजेंट टाइम में कौन कौन से जेंडर इश्यूज़ हैं जिनके ऊपर हमें काम करना है, जो हमारे लिए आज के टाइम पे कंसर्न है बहुत ज़्यादा, वो है अनइवन एक्सेस टू एजुकेशन। देखिए, लिटरेसी रेट की अगर मैं बात करूं, तो लिटरेसी रेट आज भी मेल की ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द फीमेल। कहीं ना कहीं लोगों के माइंडसेट आज भी यही है कि फीमेल को क्या करेंगी एजुकेशन करके, घर ही तो संभालना है, इस तरह के जो माइंडसेट है वो कहीं ना कहीं एक्सेस नहीं करने देता वुमेन को एजुकेशन को। दूसरा, लैक ऑफ एम्प्लॉयमेंट इक्वालिटी। तो अगर आपने देखा होगा, ज़्यादातर बड़ी बड़ी कंपनीज भी यही चाहती हैं कि कौन छुट्टी दे वुमेन को, मेंस्ट्रुएशन पीरियड में छुट्टी देनी पड़ती है, हालांकि इसके ऊपर कई सारे कानून बन रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एम्प्लॉयमेंट में भी इनको डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ता है। तो एम्प्लॉयमेंट के मामले भी इनको सैलरी वेजेस बराबर नहीं मिलते, तो कहीं ना कहीं लैक ऑफ एम्प्लॉयमेंट इक्वालिटी भी हमें देखनी पड़ती है। आगे, जॉब सेग्रीगेशन, यानी कि ऐसा असाइन कर दिया गया है कि मेल ही ये काम कर सकते हैं, फीमेल ये वाला काम नहीं कर सकती, ऐसे कई सारे काम होते हैं, तो इसे हम बोलते हैं जॉब सेग्रीगेशन, यानी कि पहले से ही डिटरमाइन कर लिया है कि फीमेल ये काम नहीं कर सकती। आगे आता है लैक ऑफ ए लीगल प्रोटेक्शन, यानी कि फीमेल को किसी भी तरह का कोई लीगल प्रोटेक्शन नहीं दिया गया है जब वो वर्कफोर्स में पार्टिसिपेट करती हैं, कहीं कंपनी में काम करती हैं, तो उसके ऊपर भी कई सारी सरकारों को काम करना होगा। लैक ऑफ बॉडली ऑटोनॉमी, लड़की को प्रेग्नेंट होना है या नहीं होना है, ये चीज़ भी लड़की नहीं डिसाइड कर पाती, हालांकि उसकी खुद की बॉडी है, लेकिन वो उसकी खुद की बॉडी के ऊपर उसकी ऑटोनॉमी नहीं है, उसकी ऑटोनॉमी उसके हस्बैंड होगी या फिर उसके जो फादर इन लॉ या मदर इन लॉ होते हैं। आगे, पुअर मेडिकल केयर, यस,
कहीं ना कहीं आज भी यही माइंडसेट है कि गर्ल्स को जो है मेडिकल केयर नहीं इतना ज़्यादा मिलता है। इसका सबसे बड़ा कारण हो सकता है कि वो एजुकेशन इतनी नहीं होती उनकी, और कहीं ना कहीं उनके पास जॉब्स नहीं होती, तो जॉब्स नहीं होगी तो उनके पास पैसा नहीं होगा, तो वो मेडिकल केयर होगा एक्सेस नहीं कर पाएंगी। उसके बाद है लैक ऑफ रिलीजियस फ्रीडम, यानी कि सबरीमाला टेम्पल का सबसे बड़ा एग्जाम्पल हमें देखने को मिलता है, तो वुमेन को हम मंदिर में जाने नहीं देते, तो कहीं ना कहीं इन इक्वालिटी हमें देखने को मिलती है। तो लैक ऑफ रिलीजियस फ्रीडम भी है एंड लैक ऑफ ए पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन। यस, आज आप कहीं ज़्यादा देखेंगे ऐसी कई सारी कंट्री हैं जिसमें वुमेन की पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन ठीक है, लेकिन अगर हम भारत की बात करें या कई सारी मेजोरिटी में ऐसी कंट्रीज है जहाँ पर वुमेन की जो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन है बहुत बहुत कम है। तो ये हैं आज के कुछ प्रेजेंट टाइम के जेंडर इशूज़ जिसके ऊपर हम सभी को काम करना है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।